नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल BS उत्तम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटर परीक्षा 2022 साइंस का यानी विज्ञान का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर की आप लोगों को बतलाने वाला हूं, ठीक है। आप लोग अभी तक विज्ञान का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी का सेंटर एग्ज़ाम जो कि सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है जो कि बहुत जगह पे जो कि सेंट अप एग्जाम हो गया है और बहुत जगह पे अभी सेंट अप एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी नहीं दिए उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप लोग सेंट अप एग्जाम में चोरी करने का प्रयास बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। आराम से आप लोग तैयारी कीजिए और सेंट अप एग्जाम दे दीजिए जाकर के, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे दबा करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ओके। मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव का जो आंसर की है आप लोगों को कहां से डाउनलोड करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों की संख्या, देखिए यहां पे पूछा गया है द नंबर ऑफ जो कि यहाँ पे ला यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछा गया है, तो कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों की संख्या। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दो हो जाएगा। आप सभी को पता होगा प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है, ठीक है। दो में आप लोग देखिएगा यहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो देखिए यहाँ पे दो का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सुन जो कि निर्वात में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीन में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संबंध होता है, तीन का सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रिज्म से हो जाएगा। देखिए चार में आप लोग देखिएगा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, आप सभी को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब पांच की ओर चलते हैं, पांच में आप लोग देखिएगा एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, पांच का सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए छः की ओर चलते हैं, छः में आप लोग देखिएगा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, छः का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स हो जाएगा। सात में आप लोग देखिएगा विद्युत विभव है, सात का ए हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। आठ में आप लोग देखिएगा साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन नहीं दिख रहा है लेकिन मैं प्रयास करूंगा जो कि बिल्कुल सही पढ़ा जाए, ठीक है। तो आठ का सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा यानी कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ में आप लोग देखिएगा जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है, तो नौ का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। दस में आप लोग देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का एस आई यूनिट पूछा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एस आई यूनिट पूछा गया है, एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक जो कि फील्ड इज, तो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक, तो 10 का ए हो जाएगा, टेस्ला होगा जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए ध्यान से, 11 में है समांतर क्रम जो कि जुड़े यहाँ पे देखिए आप लोग R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, R1 गुने R2 y यहाँ पे देखिए R I + R2 हो जाएगा, ठीक है, R1 R2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग देखिएगा जूल कूलॉम कहा जाता है, जेसी यानी जूल बाई कूलॉम कहा जाता है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो 12 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ए हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा जिसे हम लोग भी से डिनोट करते हैं। 13 में आप लोग देखिएगा दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, 13 का राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को, ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा दूरदृष्टि वाले, ठीक है, साफ साफ देख सकता है तो दूर की वस्तुओं को, ठीक है, सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 14 में आप लोग देखिएगा हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, 14 के राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। चलिए 15 में आप लोग देखिएगा लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, आप सभी को बतानी चाहिए कि बहुत अधिक हो जाता है। चलिए यहाँ पे 16 में देखिएगा बिजली का सूचालक है, तो यहाँ पे 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा।
17 में आप लोग देखिएगा, 17 का नहीं दिख रहा है, लेकिन सही जवाब जो कि यहाँ पे क्या है, शायद शुद्ध जल का पीएच मान या कुछ भी होगा तो 7 से अधिक होता है, यही होगा शायद। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 से अधिक, यही होगा, ठीक है। सही ऑप्शन नंबर बी है 17 का, याद है आप लोग रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 17 का बी। 18 देख लीजिए, 18 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 18 भी आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो देखिए 18 की राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। 19 आप लोग देखिएगा, ये बेकिंग होगा ना, बेकिंग होगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पे क्या है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एन, ध्यान से आप लोग देखिएगा, एन ए एच CO3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 20 में आप लोग देखिए, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पूछा गया है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में, तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, C3H4 हो जाएगा, ओके। चलिए 21 में आप लोग देखिएगा, CnH2n+2 किसका सम्मान सूत्र है, तो देखिए 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एल्केन का है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एल्केन होगा। चलिए 22 में आप लोग देखिएगा, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, देखिए कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना, 4 होती है, आप सभी को पता होनी चाहिए। 23 में आप लोग देखिएगा, अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। चलिए 24 में आप लोग देखिएगा, हमारा शरीर पीएच मान किस सीमा में सही तरीके से कार्य करती है, तो देखिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, जो कि 7.0 से 7.8 तक, ठीक है, इतना से कम होगा तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, ठीक है, तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 में आप लोग देखिए, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ओके। अब 26 में देखिएगा, एस्टिलिडहाइड का आईपैक नेम पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। 27 में आप लोग देखिएगा, निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, 27 का राइट आंसर की बात की जाए तो सी हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। अब 28 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जो कि त्रियक नियम दिया था, तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा, ठीक है, डोब रेनर हो जाएगा। 29 में आप लोग देखिएगा, मेंडलीव की आवर्ती सारणी में आवर्त की संख्या, 29 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7। 30 में आप लोग देखिएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम है, 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जीवाशय ईंधन हो जाएगा। चलिए 31 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, 31 का राइट आंसर की बात किया जाए तो 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, वायु जल मृदा, ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है। 32 का आप लोग देखिएगा, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 32 हो गया, अब मेरे पास जो कि 33 से 44 तक क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप 45 से अब डायरेक्टली जो कि 60 तक कर लेते हैं, ठीक है, और आप लोग पूरा चाहते हैं तो पूरा वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, आप लोगों को जाते जाते वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 32 का ए हो जाएगा, आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, ठीक है। चलिए मेरे पास 33 का भी है, तो यहाँ पे देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए CO2 तथा जल, ठीक है, तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। चलिए 34 भी अवेलेबल है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो यहाँ पे शैवाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 35 का भी है, ठीक है, एकलिंग पुष्प का उदाहरण है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब 36 में आप लोग देखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो मटर, आप सभी को पता होना चाहिए, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 37 का आप लोग देख लीजिएगा, जीव किस प्रकार द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर सी होगा 37 का, ठीक है। चलिए अब आप लोग 45 से देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 45 का। अब 46 की ओर चलते हैं, 46 में आप लोग देखिएगा पादप हार्मोन का उदाहरण है। 46 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑक्सिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 में आप लोग देखिएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। 47 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा। चलिए 48 में आप लोग देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, ठीक है, प्रभावी होगा। तो 48 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। 49 में आप लोग देखिएगा, लेंस सूत्र पूछा गया है, तो 49 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, जो कि 1/v - 1/u और 1/f हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए 50 में आप लोग देखिएगा, द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है। यहाँ पे 50 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 51 में आप लोग देखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 51 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। 52 आप लोग देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछा गया है, तो यहाँ पे 52 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 53 में आप लोग देखिएगा, कौन रंग खतरे के सिंगल में उपयोग होता है। 53 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, लाल रंग, ठीक है। 54 में आप लोग देखिएगा, जो कि विद्युतमय तार यानी लाइव वायर समान सामान्यता होता है। 54 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग का। चलिए 55 में चलते हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखिए 55 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है, विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए 56 आप लोग देख लीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पे 56 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी, ठीक है, चालक की लंबाई, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे। 57 में आप लोग देखिएगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। 57 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक है। 58 आप लोग देखिएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 58 का यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सजेलिक अम्ल हो जाएगा, नहीं ऑक्सजेलिक एसिड हो जाएगा। 59 में आप लोग देखिएगा, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। 59 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। 60 में आप लोग देखिएगा, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। 60 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है, 60 तक ही समाप्त करते हैं, ठीक है। और इसका आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ दिया जाए क्वेश्चन का, और इसका पूरा आंसर यानी 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है साइंस में, तो पूरा का आंसर तो आप लोग हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए किस तरह से डाउनलोड करना है मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपना फोन में इस तरह से टाइप कर लीजिएगा बीएससी स्टडी, ठीक है, गूगल ओपन करके आपको इस तरह से टाइप कर लेना है बीएससी स्टडी, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरह से सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं, ये वेबसाइट आपको दिखेगा इस तरह का, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है, यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड लेटेस्ट अपडेट्स के नीचे आपको आ जाना है, ठीक है, रिजल्ट उसके नीचे आना। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आंसर की का एक जो कि कैटेगरी बना हुआ है, ठीक है, और इसके सामने जो कि एडमिशन का है, तो आंसर की में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा मैट्रिक सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022 ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलहाल ऑल सब्जेक्ट वाले पे क्लिक करना है, आप लोग देख लीजिएगा। अब जैसे ही ऑल सब्जेक्ट वाले पे क्लिक करते हैं, इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल करके आपको नीचे की ओर आ जाना है। अब जैसे ही आप लोग नीचे की ओर आते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, स्क्रॉल करके नीचे की ओर आइए, और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा मैट्रिक सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022, यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट का है, देख सकते हैं आप लोग, संस्कृत का है, हिंदी का है, साइंस का है, सोशल साइंस का है, इंग्लिश का है, मैथ का है, उर्दू का है, काफ़ी सारे। अब जो भी आपको ज़रूरत है उसके सामने आपको क्लिक कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए संस्कृत का आंसर की चाहिए,
ठीक है ऑब्जेक्टिव का, तो इस पर क्लिक कर दिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा ओपन, और आपको स्क्रॉल करके अब नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पे देखिए हिंदी का आंसर की जो कि आ गया, इस तरह से आप लोग देख लीजिए और अपना तैयारी करिए, ठीक है। फिर से बैक आ जाना है, फिर एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए यहाँ पे हिंदी का चाहिए तो हिंदी वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हिंदी वाले पे जैसे ही क्लिक करते इस तरह से आ जाएगा हिंदी का आंसर की, ठीक है। तो आप लोग आराम से यहाँ से आंसर की आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, नीचे आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो आइए इस तरह से डाउनलोड कीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे दबा करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट का जो कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी को जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।